सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया है, गुड। चलिए बच्चों, क्या आपको कविता पसंद है? कविता, गुड। आप सभी को कविता पसंद है, तो चलिए आज हम एक कविता गाते हैं। ओके, आप सभी रेडी हो जाइए और साथ में हम कविता गाएंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आओ बच्चों, खाओ गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर। बच्चों आप भी मेरे साथ गाओ। आओ बच्चों, खाओ गाजर, नींबू, खीरा और टमाटर, लाल लाल तुम हो जाओगे, सुंदर बच्चे कहलाओगे। ऐसा नहीं बच्चों, मजा आया आपको? ओके, आपको भी ऐसे गाने हैं। ओके, तो बच्चों आप बताएं हमें कि यह क्या है? बेटा क्या है यह? गुड। यह क्या है? पेंसिल। तो पेंसिल तो सब लोग जानते हैं, पेंसिल। तो क्या मुझे कोई यह बता सकता है कि पेंसिल यह कैसी है? सीधी है या टेढ़ी है? कैसे दिख रही है आपको? सीधी दिख रही है? यस, ऐसे कर देंगे। दिख रही है आपको यह पेंसिल? सीधी है। वेरी गुड बेटा, आप बताएं यह क्या है? क्या है बेटा? ये तो पेन है, सब जानते हैं बेटा कि ये पेन है। तो बेटा हम बता, आप बताएं मुझे कि यह पेन कैसी है? सीधी है या टेढ़ी है? कैसी है बेटा? गुड, यह जो पेन है वो सीधी है। ओके, तो बच्चों चलिए आप मुझे अब बताएं, मैं यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दो लाइन खींच रहा हूँ, आपको बताने हैं कि कौन इसमें से सीधी है और कौन टेढ़ी है। चल बच्चों, मैंने देख, आप देखेंगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे दो लाइन खींची है। एक लाइन फर्स्ट वाली ये हो गई और सेकेंड वाली ये हो गई। फर्स्ट लाइन मैंने यह खींची है, सेकेंड लाइन मैंने यह खींची है। तो आप देख कर बताएं कि इनमें से कौन सीधी है और कौन टेढ़ी है? कौन सीधी है, कौन टेढ़ी है? गुड बच्चों, यह जो लाइन है वो टेढ़ी लाइन है, यह क्या है? सीधी है। देखेंगे यह लाइन बिल्कुल सीधे चली जा रही है, सीधी जा रही है, जबकि यह लाइन क्या है? इधर उधर करके ना जा रही है, तो यह लाइन सीधी है। ओके, तो बच्चों आज हम सीधी लाइन खींचना सीखेंगे, एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना सीखेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों आपको क्या करने हैं कि सबसे पहले आप पेंसिल लेंगे, आपको पेंसिल से आपको यूज करने हैं, और आपको क्या करने हैं, यहाँ पर अपना पेंसिल रखेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे। बच्चों यह सब वर्क आपको जो करने हैं, जो रेडीनेस प्रोग्राम बुक दी गई है उसी में करने हैं। ओके, तो आप यहाँ पे अपना क्या करेंगे, पेंसिल रखेंगे और ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे पेंसिल रखे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे पेंसिल रखे ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ, यहाँ पे पेंसिल और ड्रॉ, यहाँ पे पेंसिल और ड्रॉ। बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो आपकी लाइन यहाँ नीचे ड्रॉ करेंगे, इन लाइन से बाहर नहीं होनी चाहिए। क्या करना है आपको, जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वह लाइन इन दोनों लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, और दोनों लाइन को टच भी करना चाहिए। मैंने यहाँ पे पेंसिल रखा, मैं मार्कर रख रहा हूँ, पेंसिल रखना, यहाँ पर रखे और ड्रॉ किए, यहाँ पर रखे ड्रॉ कर दी। ओके, तो पहले लाइन में तो आप ऐसे करेंगे, इसके बाद सेकेंड जो लाइन दिख रही है, दूसरी लाइन दिख रही है, इसे आप खाली छोड़ देंगे। फिर तीसरी लाइन में यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे सबसे पहले और इधर ड्रॉ करेंगे, आपको इधर ड्रॉ कर लिए। क्या करना है बच्चों, आपको ऐसे ड्रॉ कर लिए, देखिए यहाँ पर बाहर चला गया, आपको भी बाहर ऐसे नहीं निकलना चाहिए। जो आपकी लाइन होनी चाहिए वह बिल्कुल इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसको हम टच करा देते हैं थोड़ा, आपको ऐसे ऐसे और ऐसे, गुड, ऐसे आपको भी करना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, देखेंगे हम दूसरे कलर से बता रहे हैं आपको क्या करेंगे। यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है, कैसे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे और ऊपर कैप लगाते हैं अपना, वैसे इसके ऊपर कैप लगा देंगे, ये हो गया, ऐसे खींचे और टोपी इसके ऊपर लगा दिए, ये
एक लाइन यहां पर रखेंगे पहले और नीचे ड्रॉ किए और इसके ऊपर या पुनः इसको ड्रा करेंगे और इसके ऊपर ये ऐसे समझो बच्चों, ऐसे आपको करना है। यहाँ पे पेंसिल रखे, नीचे रखे, नीचे किए और ऊपर ड्रॉ, इधर नीचे नीचे लाइन खींच ली है और इसके ऊपर एक और लाइन खींच दी है। यहाँ पर पेंसिल रखे, यहाँ खींचिए और इसके ऊपर एक और। ओके तो बच्चों आपको भी सिर्फ ऐसे ऐसे करना है। आप जब रेडनेस प्रोग्राम ओपन करेंगे तो जो हिंदी दी गई है उसमें लिखा होगा कक्षा पहली, आप इस पेज को ओपन करके और आप इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। चलिए मैं आपको आपके वर्कबुक में दिखाता हूं, यानी कि रेडनेस प्रोग्राम में दिखाता हूं कि आपको कहां पे यह सारी चीजें लिखनी है। आपको देखनी है कि सब कहां चीज लिखनी है। चलिए मैं आपको आपके वर्कबुक ओपन करके दिखाता हूं। ओके बच्चों, विद्यालय से आपको 3 वर्कबुक दी गई है। कितनी वर्कबुक दी गई है बच्चों? 3, जो कि तीनों ही अलग अलग है। ओके, जिसमें से एक जो छोटी है और 2 अन्य बड़ी वर्कबुक है। तो जो बेटा बड़ी वर्कबुक है उनमें से आपको अभी निकालने हैं, ओपन करने हैं, जिस पर लिखा हो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। क्या लिखा हो बेटा? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। ओके बच्चों, आप इसी वर्कबुक को ओपन करेंगे। आप देखेंगे ध्यान से, जो आपको 3 वर्कबुक दी गई है उसमें से आप इसे मैच करें। इस पर क्या लिखा हो? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। ओके बेटा, आप इसको ओपन करेंगे। ओके, और बच्चों मैं आपको बता दूं कि पूरे 1 महीने तक आपको इसी वर्कबुक से पढ़ाया जाएगा। पूरे 1 महीने आपको इसी वर्कबुक से पढ़ाया जाएगा और आपको जो वर्क करने हैं इसी वर्कबुक में करने होंगे। ओके, तो सबसे पहले आप सभी इस वर्कबुक को ओपन कर लें। ओके बच्चों, जब आप इस वर्कबुक को ओपन कर रहेंगे तो आपको देखिएगा पेज नंबर लिखा हुआ। बच्चों अब ध्यान से देखेंगे तो जो पेज दिया है इसके नीचे इसके नंबर भी लिखे हैं। जैसे कि यहाँ पेज दिया है बच्चों, तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, 1। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? 1। ऐसे ऐसे ही आगे जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे पेज नंबर आपको दिखता जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, पेज नंबर 1 ओपन करना है। ओके, तो आप क्या करें, पेज नंबर 1 ओपन कर लें। ओके, जब बेटा आप ओपन करेंगे तो आपको इस पर लिखा हुआ मिलेगा हिंदी अभ्यास। बेटा क्या मिलेगा आपको? हिंदी अभ्यास कक्षा पहली। क्या लिखा हुआ है बेटा ऊपर में? हिंदी अभ्यास कक्षा पहली। क्या लिखा है बेटा? हिंदी अभ्यास कक्षा पहली। ओके, क्या लिखा है बेटा? अब पढ़ लिए, हिंदी अभ्यास कक्षा पहली। ओके, तो बेटा आपको क्या करना है कि लाइन कैसे खींचना है मैंने आपको बताया, लाइन कैसे खींचना है मैंने आपको बताया। देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में है आपको कैसे लाइन खींचना है बताया गया है। यहाँ पे लाइन खींची है बच्चों, ये लाइन खींची है, आपको भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। ओके बेटा, इसके बाद तो फर्स्ट लाइन तो उसने ड्रा कर दिया है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कैसे बेटा? डॉटेड लाइन दी गई है, इसी के ऊपर आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, यह इसी के ऊपर आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ओके, लेकिन बच्चों आप ध्यान रखेंगे जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, जो ये लाइन दी गई है इस लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको पहली बार कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन, ऐसे ठीक पूरा बेटा यहाँ तक करेंगे। कहाँ तक करेंगे? यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? यहाँ पर लाइन ड्रा की गई बेटा, यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद लास्ट में बेटा जो है मैंने आपको बताया कि लाइन ऐसे ड्रा करके ऊपर से ऐसे लाइन ड्रा के ऊपर लाइन ड्रा की इसके ऊपर लाइन ड्रा करके इसके ऊपर। ओके, ऐसे आपको इस पूरे पेज पे ऐसे ही करना है और लिखना है। बेटा जब आप इसे लिख लेंगे तो इसका फोटो खींचकर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ओके, क्या करना है बेटा आपको,
इसका फ़ोटो खींच कर वर्क कंप्लीट कर लेंगे। इसका फ़ोटो खींच के आप हमें मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे। ओके बेटा, ओके। तो आज की क्लास में कुल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम और सीखेंगे। तो बेटा आप इसे अच्छे से घर पे ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों।